प्रेग्नेंट सास की प्रेग्नेंट बहू। सुभाष और चंदन के ऑफिस चले जाने के बाद मंजू घर में अकेली पड़ जाती है, इसीलिए वो अपने इकलौते बेटे चंदन की शादी करवाने की बात करती है। बेटा, आजकल बच्चे अपनी ही पसंद की बीवी लाना चाहते हैं। तेरी नजर में कोई है तो बता दे हमें। चंदन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मम्मी, मैं मोना से प्यार करता हूँ और काफी वक्त से हम दोनों साथ हैं। अरे ठीक है ना, मैं उसके घर वालों से तुम दोनों की शादी की बात करती हूँ। मंजू मोना के घर वालों से चंदन और मोना के रिश्ते की बात करती है और दोनों की शादी करवा देती है। अब मंजू का अकेलापन भी दूर हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद जब सभी खाने की मेज पर बैठे होते हैं तब मोना को उल्टी आने लगती है और वो भागती हुई बाथरूम में जाती है। ये देखकर मंजू की पड़ोसन कहती है, मंजू लगता है कोई खुशखबरी है, नया मेहमान आने वाला है। अरे भगवान करे ऐसा ही हो, इस घर में चंदन के बाद कोई बच्चा हुआ ही नहीं। बच्चे की आवाज सुनने के लिए मेरे तो कान तरस रहे हैं। मोना की ऐसी हालत देखकर सुभाष चंदन से कहता है, बेटा चंदन, तो बहू को डॉक्टर के पास ले जा और हाँ, अपनी माँ को भी साथ में लेकर जाना। कल रात उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दुकान देख लूंगा। ठीक है पापा। सुभाष दुकान के लिए निकल जाता है और चंदन मोना और मंजू को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर दोनों का चेकअप करती है और चंदन से कहती है, कांग्रेचुलेशंस, आपकी घर दोहरी खुशी आ रही है। थैंक यू। डॉक्टर, मोना को ट्विंस बच्चे होने वाले हैं क्या? और मम्मी की तबीयत ठीक है ना? आपकी मम्मी बिल्कुल फिट है। आप बाप के साथ साथ भाई भी बनने वाले हैं। ये सुनकर चंदन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉर्मल। चंदन को शर्म के साथ साथ गुस्सा आने लगता है। उधर डॉक्टर मंजू को भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। चंदन, मोना और मंजू को घर छोड़कर दुकान चला जाता है और चुपचाप सा हो जाता है। रात को जब सुभाष और चंदन घर आते हैं तो मंजू सुभाष को शर्म से कुछ बता नहीं पाती। दिन बीतने लगते हैं। इधर चंदन को अंदर ही अंदर ये बात खाई जाती है और वो दिन भर उल्टा सीधा सोचते रहता है। क्या होगा जब लोगों को इस बात का पता चलेगा? लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे? मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मोना क्या सोचेगी? मोना के दिल पे क्या गुजरेगी? कैसा लगेगा कि उसके साथ साथ उसकी सास भी माँ बनने वाली है? एक दिन मोना को खट्टा खाने का मन करता है। वो चंदन से कच्चे आम और इमली लाने को कहती है। शाम को घर लौटते वक्त चंदन इमली और कच्चे आम ले आता है। इमली देखकर मंजू का मन चलने लगता है और वो इमली खाने लगती है। मम्मी जी, आप इमली क्यों खा रही हैं? मैं तो पेट से हूँ, इसलिए मेरा मन चल रहा है। वो ऐसे ही बहू, कितने दिनों के बाद देखा तो मन हो गया। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें मंजू के घर आती है और उसे देखकर कहती है, माँ तो मोना बनने वाली है लेकिन पेट तेरा बाहर आ रहा है। अरे कोई खुशखबरी सुना रही हो क्या? है? सुना है भैया जी, बहुत रोमांटिक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुम लोग भी। सभी लोग मोना को बधाई देकर चली जाती हैं और औरतों की बातें सुन सुनकर मंजू के दिमाग में उथल पुथल मच जाती है और वो सोचती है, ये बच्चा गिरवा देना ही सही होगा, नहीं तो ये औरतें मुझे ताना मार मार कर मार ही देगी। मेरी इज्जत क्या रह जाएगी इस समाज में। मंजू अगले दिन किसी को बिना बताए डॉक्टर से मिलने चली जाती है और कहती है, डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अबॉर्शन करवाना है। ये क्या कह रही है? अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं मर भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बच्चा अबॉर्ट कर दो। डॉक्टर सुभाष को कॉल कर देती है और सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सुभाष को देखकर मंजू के आंसू नहीं रुकते। मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी जिंदगी से कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। तुमने मुझसे भी ये बात छुपाई,
तो मैं क्या करती, आप ही बताइए। मेरा अपना बेटा मुझसे नजर चुराने लगा है तो ये दुनिया वाले क्या कुछ नहीं कहेंगे। ये दुनिया वालों की मुझे कोई फिक्र नहीं, ये बच्चा हमारा है और तुम इसे पैदा करोगी। हाँ मम्मी जी, मैं आपके साथ हूँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिंदा तो वो हो जिनकी सोच छोटी हो। मंजू को सुभाष घर ले आता है। चंदन मंजू से बात करना छोड़ देता है। दिन बीतने लगते हैं। मंजू और मोना एक ही दौर से गुजरती हैं। मंजू के रिश्तेदार उसे ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, उसे बुरा भला सुनाते हैं। एक रोज मंजू की मौसी सास उसके घर आती है और कहती है, ये देखो दादी बनने की उम्र में माँ बनकर बैठी है। घोर कलयुग है, राम 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 राम, ऐसी बहू हमारे ही घर में आनी लिखी थी। मंजू बहुत रोती है, लेकिन बेचारी के हाथ में कुछ था भी नहीं तो करती भी क्या। दिन बीतने लगते हैं और दोनों का नौवां महीना भी पूरा होने को है। आधी रात को मोना को दर्द चालू हो जाता है। चंदन तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। डिलीवरी के वक्त मोना का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। जैसे ही डॉक्टर मंजू को ये खबर देते हैं, उसे भी दर्द चालू हो जाता है। वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उधर मोना अपने बच्चे के सदमे में रोती रहती है। मंजू को देख मोना कहती है, मम्मी जी मैंने अपना बच्चा खो दिया, मैं नहीं जीना चाहती। अरे ऐसा मत बोल बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है। मंजू अपनी बेटी मोना की गोद में डाल देती है। आज से ये तेरी बेटी हुई, इसे मैं पालू या तू क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोई तुझे कुछ कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ। चंदन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मंजू से कहता है, मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं बहुत गलत था। दुनिया के तानों के डर से मैंने तुम्हें गलत समझा और तुमने मेरी खुशी के लिए बच्ची को मोना की गोद में डाल दिया। I'm sorry, मम्मा। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी पाकर मोना भी खुश हो जाती है और मंजू और मोना दोनों माँ मिलकर बच्ची की देखभाल करने लगती है। कंवारी माँ पुष्पा जी आज बहुत उदास होकर अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू रुके नहीं रहे थे। पुरानी बातों को याद कर करके उनका दिल आज बहुत उदास था। बड़े धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे विवेक की शादी निशा के साथ की थी, लेकिन अब विवेक दूसरे शहर में नौकरी करने जाने की बात कर रहा था। पुष्पा जी को इस बात की भी चिंता थी कि उनकी बेटी रूपल की शादी कैसे होगी, क्योंकि अब तक तो उन्हें दिल में ये उम्मीद थी कि विवेक रूपल की शादी में कुछ मदद करेगा। लेकिन शादी के बाद विवेक के बदले हुए व्यवहार से पुष्पा जी बहुत दुखी थी। विवेक बेटा, क्या तुम्हारा दूसरे शहर में नौकरी करने जाना जरूरी है? अरे माँ, आप भी बेकार में ही परेशान कर रही हैं। यहाँ पर आपके साथ रूपल है ना, आप दोनों आराम से रहिए। और मम्मी जी, हमें भी अपनी प्राइवेसी चाहिए। मैं यहाँ आपके और रूपल के साथ इस घर में नहीं रह सकती। अरे तो बेटा, इसी शहर में दूसरा घर ले लो, कम से कम जब तक रूपल की शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए। देखो माँ, अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं निशा के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बता देना, मैं वहीं से भिजवा दिया करूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन रूपल की शादी के बाद तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ ना। अरे मम्मी जी, विवेक ने आपको कहा ना, यहाँ पर आपका ध्यान रखने के लिए एक नौकर लगवा देंगे। अब देखिए, आप हमारे साथ रहेंगी तो हमारी लाइफ की प्राइवेसी पूरी तरह खराब हो जाएगी और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, जैसा तुमको सही लगे। विवेक अपनी पत्नी निशा को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। पुष्पा जी और रूपल अकेले रह जाते हैं। रूपल बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देती हूँ। पता नहीं तुम्हारा भाई कितनी जिम्मेदारी कब संभालेगा। माँ, जब देखो तब आपको मेरी शादी की पड़ी रहती है। भाई तो अपनी बीवी को लेकर चलता बना, अब इसकी सजा मुझे थोड़ी ना मिलेगी। अरे बेटा, इस पे सजा की क्या बात है, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, शादी तो करनी पड़ेगी ना। जैसा आपको ठीक लगे, वैसे मुझे कुछ नहीं पता। पुष्पा रूपल के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी तय करवा देती है और विवेक को फोन करती है। विवेक बेटा, तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है, जल्दी से आ जाओ,
शादी की तैयारियां करनी है ना। वो क्या है ना माँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है। क्या तुम अपनी बहन की शादी में भी नहीं आओगे? देखता हूँ माँ, अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ देर के लिए शादी वाले दिन आ जाऊंगा, और बाकी का अरेंजमेंट आप खुद कर लीजिएगा, मेरे पास बहुत काम है। अपने बेटे की बात सुनकर पुष्पा बहुत उदास हो जाती है, लेकिन किसी भी तरह वो रूपल की शादी की तैयारियों में जुट जाती है। शादी से ठीक दो दिन पहले अचानक एक दिन सुबह के वक्त, रूपल, अरे बेटा कब तक सोती रहेगी, दरवाजा खोल, अपने कमरे को देख, शादी की तैयारियां करनी है, दो दिन बाद तुम्हारी शादी है। लेकिन रूपल के कमरे से कोई आवाज नहीं आती। पुष्पा जब रूपल के कमरे में जाकर देखती है तो वहां पर रूपल नहीं थी और कमरे में एक लेटर रखा हुआ था। देखो माँ, सबको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। भाई भी तो अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में बस गया, और मुझे एक लड़का पहले से पसंद था, मैं उसके साथ जा रही हूँ कोर्ट मैरिज करने। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लौट कर कभी नहीं आने वाली, ताकि आपकी बदनामी ना हो। लेटर पढ़ने के बाद, हे भगवान, ये क्या हो गया, बेटा भी छोड़कर चला गया और बेटी शादी से ठीक दो दिन पहले घर छोड़कर चली गई। इन बच्चों ने यह भी नहीं सोचा कि मैंने किस तरह इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। अपने बच्चों के घर छोड़कर चले जाने के गम में पुष्पा बीमार हो जाती है और एक दिन घर में बेहोश हो जाती है। अचानक से पुष्पा के पड़ोसी उसे घर में बेहोश देखते हैं। अरे ये क्या, पुष्पा बहन तो घर में अकेली बेहोश पड़ी है। हमें उसको अस्पताल लेकर जाना चाहिए, भगवान न करे कुछ हो गया तो। ठीक कहते हो, लेकिन जरा उसके बेटे को फोन करके बता तो दो। अरे बेटा तो बहुत दूर रहता है, बेटी को फोन कर देते हैं। अरे बेटी का तो कोई अता पता नहीं है, इतनी अच्छी माँ को छोड़कर बच्चे इस तरह जाते हैं क्या। पड़ोसी मिलकर पुष्पा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। पुष्पा के बीमार होने की खबर सुनकर विवेक हॉस्पिटल न जाकर घर पहुंचता है। अरे विवेक बेटा, तुम्हें अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में जाना चाहिए, यहाँ घर पर क्या कर रहे हो? अंकल, मैं सोच रहा था कि इस घर को बेच देता हूँ। तभी वहाँ अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर रूपल भी पहुँच जाती है। सही कह रहा है भाई, इस घर का होगा भी क्या, अब यहाँ कौन रहेगा? मम्मी जी की तबीयत देखकर तो लगता नहीं कि वो ज्यादा दिन चल पाएंगी। इस घर को बेचकर आधे आधे पैसे रख लेते हैं, आधे रूपल आधे हम रख लेते हैं। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती, तुम्हारी माँ है वो। अरे आप इसमें शर्म वाली क्या बात है, माँ की तबीयत इतनी खराब है, उनके बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अरे गलती तुम्हारी नहीं है, सगी माँ होती तो तुम्हारा उससे कोई लगाव तो होता, वो तो बेचारी पराई है ना, इसलिए शायद तुम्हारे खून में उसके लिए प्यार ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं, पराई है से क्या मतलब, हम उनके बच्चे हैं, वो माँ है हमारी। एक बहुत बड़ा राज है जो तुम लोगों से छुपा हुआ है, लेकिन लगता है आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। जिस तरह से तुम अपनी माँ के साथ व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है अंकल, क्या बताना चाहते हैं आप मम्मी जी के बारे में? शादी नहीं की तुम्हारी मम्मी जी ने कभी, तुम्हारा पति और ये रूपल, ये दोनों उसकी सगी औलाद भी नहीं है। क्या मतलब, शादी नहीं की सगी औलाद नहीं है, तो फिर माँ आखिर है कौन, क्या लगती है हमारी? कुछ नहीं लगती, तुम्हारे मम्मी और पापा के नौकरी करने की वजह से तुम्हारे घर में खाना बनाने का काम करती थी, और बेचारी की शादी भी नहीं हुई थी। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारे मम्मी और पापा दोनों खत्म हो गए। क्या, ये हमारी माँ नहीं है और इन्होंने कभी बताया भी नहीं? कैसे बताती, मरने से पहले तुम्हारे माँ और पापा ने वादा लिया था कि जिंदगी भर हमारे बच्चों की देखभाल करना, और इसी के चलते बेचारी ने कभी शादी तक नहीं की। 25 साल की जवानी की उम्र से अब तक सिर्फ तुम दोनों की जिंदगी अच्छी बनाने की कोशिश करती रही। अरे इतनी बड़ी बात, अच्छा हुआ विवेक, वरना तुम्हारी वो कोक इस घर पर कब्जा करके बैठ जाती। कभी नहीं करती, अरे हमारे सामने की बात है,
तुम्हारे माँ और पापा ने यह घर इसके नाम पर करने की बात की थी, लेकिन उसे साफ साफ कह दिया था यह घर तो विवेक और रूपल का ही रहेगा। वो तो बस तुम दोनों को पाल रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसने मेरी जिंदगी मेरे और मेरी बहन के लिए कुर्बान कर दी, हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैंने भी माँ के साथ बहुत गलत किया। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगती हूँ। विवेक और रूपल हॉस्पिटल में जाकर पुष्पा जी से माफी मांगते हैं। पुष्पा उन दोनों को माफ कर देती है और विवेक अपनी माँ को खुशी खुशी अपने साथ रखने लगता है।